हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, जो कि वन ऑफ द स्पेशल एड्रेसिंग मोड है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्पेशल एड्रेसिंग मोड जो था उसमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड पड़ा था। अभी इस वीडियो में हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज इन अ रजिस्टर हुज वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर फेचिंग द ऑपरेंट फ्रॉम द एड्रेस। तो वो जो इनिशियल एड्रेस होगा उसको रेफर करके हम लोग वैल्यू फेच करेंगे। वो जो वैल्यू फेच करेंगे उसको ऑपरेंट बोलते हैं। तो ऑपरेंट फेच होने के बाद वो जो एड्रेस होगा रजिस्टर का वो वन इंक्रीमेंट होगा। फिर सेकेंड टाइम डेटा फेच होगा, फिर से वो सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह वो इंक्रीमेंट होता है। तो मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लीजिए लोड यहाँ पे आ रही है एक रजिस्टर प्लस R1, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट तो हम लोग R1 में क्या करेंगे, मेमोरी ऑफ द RI रजिस्टर को स्टोर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन रजिस्टर R1, सॉरी RI, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, RI++, और हम लोग बोल सकते हैं RI tends to RI+1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीमेंट द मेमोरी एड्रेस प्रेजेंट इन RI रजिस्टर, ठीक है। इसको फिर से डायग्रामेटिकली मैं समझाऊंगी। पहले क्या हो रहा है कि पहले हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिए हैं, लोड RI+R1। तो हम लोग पहले ये जो R1 रजिस्टर है इसमें जो भी मतलब नहीं, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड RI+R1। इसका मतलब ये है कि ये जो RI जो रजिस्टर है उसका मेमोरी लोकेशन में जो भी एड्रेस प्रेजेंट है उसको स्टोर कर रहे हैं R1 में। तो ये मेमोरी एड्रेस ऑफ द RI रजिस्टर विल स्टोर इन R1, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस स्टोर इन रजिस्टर RI। तो RI का मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू होगा वो स्टोर होगा R1 में। मेमोरी एड्रेस स्टोर नहीं होगा, वैल्यू स्टोर होगा। उसके बाद RI++ और RI tends to RI+1। तो RI++ मतलब इंक्रीमेंट द मेमोरी एड्रेस प्रेजेंट इन RI। मतलब मान लीजिए पहले 100 है तो वो इंक्रीमेंट होके 101 हो जाएगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, लोड RI+R1। तो मान लीजिए मेरा ये जो RI है इसका मतलब मेमोरी जो है, मतलब यहाँ पे 3000 है कुछ मेमोरी वैल्यू, और उसके अंदर जो है वैल्यू वो है 300, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या बोले कि R1 में क्या स्टोर होगा, R1 में क्या स्टोर होगा आपका, ये जो RI का मेमोरी एड्रेस है, मतलब RI में जो मेमोरी एड्रेस है उसमें जो डेटा स्टोर है। तो मान लीजिए RI का जो मेमोरी एड्रेस है वो 300 है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेमोरी को रेफर करेंगे। तो जब हम लोग मेमोरी को रेफर कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 200, 300, 400 ऐसे करके कुछ कुछ मेमोरी एड्रेस है। तो 300 में मेरा डेटा है सपोज 30। तो अभी क्या हो जाएगा, ये पहले मैंने स्टेप 1 बताया था जो कि यहाँ पे स्टोर होने का मेमोरी एड्रेस, यहाँ पे स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में हम लोग उसी मेमोरी एड्रेस को रेफर किए। स्टेप 3 में वो जो डेटा था वो 30 डेटा स्टोर हो गया आपका R1 में। उसके बाद डेटा स्टोर होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अभी ये रिटर्न होके यहीं पे ही जाएगा, और यहाँ पे ये तो हमारा RI है तो यहाँ पे ये 300 इंक्रीमेंट होके 301 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट करेगा कहीं पे भी 301 होगा,
मान लीजिए ये मेरा 301 है, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट करेगा 301, यहाँ पे सपोज 40 है तो ये डेटा स्टोर हो जाएगा आपका R1 में, फिर से ये ऐसे रिटर्न होके आएगा और ये 301 कैंसिल होके 302 हो जाएगा, फिर 302 पे पॉइंट करेगा। तो इसी तरह होता है ऑटो इंक्रीमेंट। फिर अभी देखते हैं ऑटो डिक्रीमेंट। तो ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इन अ रजिस्टर हुज वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड आफ्टर फेचिंग द ऑपरेंड फ्रॉम द एड्रेस। तो इंक्रीमेंट में जो काम करने के बाद इंक्रीज हो रहा था उसका मेमोरी एड्रेस, सेम चीज यहाँ पे डेटा फेच करने के बाद मेमोरी एड्रेस डिक्रीज होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लोड सपोज RD, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे जो मैंने बताया था ये भी यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है, तो माइनस ये है RI, ये को। उसके बाद हम लोग क्या क्या स्टेप करेंगे, पहले RI में क्या स्टोर करेंगे, मेमोरी एड मतलब वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द रजिस्टर RD, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन RD। तो RD में जो मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है उसका कंटेंट हम लोग स्टोर करेंगे RI में। से उसके बाद होगा RD माइनस माइनस, और RD टेंस टू RD माइनस वन, इसका मतलब डिक्रीमेंट द कंटेंट। तो सेम चीज है यहाँ पे, जैसे हम लोग ने ये मेथड फॉलो किया था, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, सेम यहाँ पे ऐसे रेफर करेगा, मतलब RD में अगर 300 है तो 300 को रेफर करेगा, डेटा फेच होगा उसके बाद डिक्रीमेंट होके 299 को रेफर करेगा। तो वही डिफरेंस है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में।